Good morning, students. Welcome to your reasoning class. And today we will learn about word formation. Word formation reasoning का एक बहुत ही important topic है, जिसके लिए आपकी English की vocabulary बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको इसमें words बनाने हैं. So let's start. सबसे पहले word formation, forming of words. From given set of letter of words, इसमें क्या करना होता है कि वर्ड फॉर्मेशन में आपको वर्ड्स बनाने हैं, चाहे वो गिवन सेट ऑफ लेटर्स दिए गए हों या गिवन वर्ड्स दिए गए हों या किसी वर्ड में ऐड करना. इसके तीन टाइप होते हैं. So we will learn about the first type. Type one, जिसमें जो आपको वर्ड बनाने हैं वो बनाने हैं यूजिंग अ गिवन वर्ड, एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स बनाने. सो टाइप वन, फॉर्मिंग वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड. From forming a word from given word. For example, मैंने आपको एक word दे दिया, उस word बनाने, जैसे कि हो गया teach. Teach spelled as TEACH. So इससे हम क्या word बना सकते हैं? सो एग्जाम्पल्स आप इसे हम कैट बना सकते हैं CAT, हैट बना सकते हैं HAT, एट बना सकते हैं टी बना सकते हैं. सो हियर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम टीच. वहीं पे अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि एक जो गिवन वर्ड है वो पॉसिबल है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके तीन ऑप्शंस हैं, cat, hat, eight, and जो नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया उन्होंने वो कोई एक अलग सर्टेन वर्ड जो उसमें है नहीं वो दे दिया, जैसे hot. अब एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होगा इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता. सो cat बन सकता है, hat बन सकता है, eight बन सकता है, बट hot जो है वो टी से नहीं बन सकता है. सो इसलिए hot is the right answer, because hot जो है वो टीच के लेटर से नहीं बन सकता. सो ये था टाइप वन. टाइप वन जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी दो टाइप के आते हैं. सेम क्वेश्चन टीच है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया, इनमें से कौन सा वर्ड है जो टीच से बनेगा. सो हॉट हॉट या फिर हैड. अब टाइप वन के भी दो टाइप होते हैं. सो पहला जिसमें वर्ड बनेगा और सेकंड जिसमें वर्ड नहीं बनेगा. तो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में सीखा था कि इन लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बन रहा. इस वाले एग्जांपल में सेम एग्जांपल है, बट इसमें हमें ये बताना कौन सा वर्ड बन रहा है. सो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, बट टीच में ओ नहीं आता. देयरफॉर हैड इज द राइट आंसर. सर इस तरीके से आपको फॉर्म करना है वर्ड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वर्ड. ये तो आपको टीचर वर्ड दिया था. अब इसका टाइप टू देखते हैं. सर टाइप टू में फॉर्मिंग अ वर्ड फ्रॉम गिवन सेट ऑफ लेटर्स. फॉर्मिंग वर्ड्स विद given set of letters. यहाँ पे आपको words में word नहीं दिया होगा, यहाँ पे आपको कुछ letters दिए होंगे. तो आपको क्या करना है, word form करना है with help of these letters. चाहे आप कितने भी word form कर सकते हो.
क्लियर। सो एक वर्ड ले लेते हैं, ये लेटर्स हैं। अब इसमें मीनिंगफुल वर्ड कौन सा फॉर्म होगा, तो ये आपको ऑप्शन में से देख के चेक करना है कि इसमें से ए ई एल एंड पी, इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो मीनिंगफुल फॉर्म हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड अ वर्ड विच कैन बी फॉर्म विद हेल्प ऑफ दीज लेटर्स बट इट शुड बी मीनिंगफुल। सो ऑप्शन आपके आगे हेल्प, लीड, दीपा एंड एल। अब इस एग्जांपल में देखिए, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, इन दोनों वर्ड की कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही बना है। फिर मीनिंगफुल वर्ड्स है हेल्प एंड लीड, बट हेल्प में एच आ रहा है, इसमें तो एच है ही नहीं, सो एच कांट बी पॉसिबल, तो इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो है बन रहा है लीड। सो योर राइट आंसर इज लीड। सो इस तरीके से आपको इसमें वर्ड बनाने हैं विद हेल्प ऑफ लेटर्स। इसका टाइप भी देखते हैं, टाइप थ्री क्या होता है, जो आपको वर्ड दिया गया है, जैसे कि आपको एक कुछ गिवन सेट ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, चार वर्ड्स कोई भी दे दीजिए, आप में उसको एक वर्ड ऐड करना या एक लेटर ऐड करना, ताकि वो एक चारों वर्ड्स में आपको एक लेटर ऐड करना है ताकि चारों वर्ड्स मीनिंगफुल बने, नए वर्ड्स बट मीनिंगफुल। सो टाइप थ्री देखते हैं, एडिंग लेटर टू गिवन वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड्स में आपको एक लेटर ऐड करना है। लेटर होते हैं आपके ए टू जेड, दैट इज ए बी सी डी ई एफ ऐसे जेड तक, ये आपके लेटर्स होते हैं। सारे 26 लेटर्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं, एक अल्फाबेट। सो एक एग्जांपल है एल ई एन एस ए एन, एल ई एन एस ए एन, भला ये मीनिंगफुल नहीं है, डब्ल्यू ओ आर एंड एस डबल ई, यहाँ पे सब में हमें एक ऐसा लेटर ऐड करना है ताकि ये सब एक मीनिंगफुल वर्ड में तब्दील हो जाए, यानी कि इट शुड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। सो आपके ऑप्शन है ए बी डी के, ऑप्शन है ए बी डी एंड के। अब यहाँ पे देखिए, के वर्क ई में लगा दे सीख, तो वर्क और सीख तो बन गए, फिर सैन एस एन की एंड लेंक एल ई एन के, जिसमें इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। फिर ए लगा दिया लीना सना वोरा एंड सिया, ये कोई इंग्लिश वर्ड्स है नहीं। बी लगा दोगे तो भी कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बन रहा, तो यहाँ पे अगर सब जगह बी लगा दो कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं है, सो ये पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे सब जगह अगर हम ऑप्शन सी डी लगा दें, इफ वी अप्लाई ऑप्शन सी डी टू एवरी वर्ड, ये लेटर ऐड करके डी हमने, सो यहाँ पे ये बन गया लैंड, मतलब पैसे देना उधार देना, सैंड यानी कि मिट्टी, एक टाइप की मिट्टी होती है सैंड, वर्ड यानी आपके शब्द एंड सीड यानी बीज। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सर इसी तरीके से आपको पूरी इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, इसमें से तीन टाइप के आएंगे, आपको इसी टाइप से सॉल्व करने हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू।